हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज फिर ये चौथा वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और ये है डीएलएड विषय से मात्र 25 क्वेश्चन और बहुत ही कम समय में ये वन लाइनर के रूप में दिया गया है। दोस्तों देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली जगह की ओर संकेत करती है, यानी कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो होता है, विद्यार्थियों की त्रुटियां जो होता है, वो सीखने की अनुपस्थिति के बारे में ये संकेत करती है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल, सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में मापा जाता है। यानी कि सुनने की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षक को और सहपाठियों से तर्क भीतर्क करता रहता है, होता है कैसा स्टूडेंट होता है? वो प्रतिभाशाली बालक होता है। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर ये हो गया है, ये चौथा नंबर का सवाल होगा। चलिए तीन नंबर का दो प्रश्न, यानी आज 26 प्रश्न आप लोग को मिलने वाला है। पठन संबंधी विकार किससे संबंधित होता है? तो राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया में प्रायः ऐसा होता है कि जैसे देखिएगा 6 ऐसे लिखने का तो ऐसे लिख देगा, 3 ऐसे लिखने का है तो 3 ऐसे लिखेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, पिछड़े बच्चों की समस्याएं कौन कौन सी होती है? तो इसमें क्या होता है कि देखिएगा कम शैक्षणिक उपलब्धि, संवेगात्मक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं, ये सभी के सभी होती है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, यानी पांच नंबर का सवाल, ये शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवृत्तियों और अभिरुचियों की जानकारी। ये डीएलएड विषय ऐसा है कि आप इसको एक बार दो बार प्रश्न को सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में सॉल्व कर पाइएगा, लेकिन आप पढ़िएगा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा तो निश्चित रूप से वहां जाके कंफ्यूजन की स्थिति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा होता है? व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं, अभिरुचियां, ठीक है, अरे उसके बाद अभिक्षमताएं तथा वातावरण, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जैसे देखिएगा कि ये आपको सिर्फ एक से दो बार पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सात नंबर, सात नंबर क्या कर रहा है, बुद्धि लब्धि, यानी IQ बराबर क्या होता है? IQ बराबर होता है मानसिक आयु गुना 100, ठीक है, बट क्या होता है, वास्तविक आयु होता है। यानी बुद्धि उपलब्धि क्या होगा, मानसिक आयु होगा, गुना 100 हो जाएगा, ये गुना 100 बट क्या होगा, वास्तविक आयु होगा। ये IQ निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिएगा शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा सहयोग लेना, अनुकरण करना एवं आश्रित होना, ये सभी के सभी गुण पाया जाता है शैशवावस्था बालक में। उसके बाद देखिएगा खेल एक ऐसी क्रिया है जो क्या होता है, अपने लिए की जाती है, यानी कि खेल एक ऐसी क्रिया है जो अपने लिए की जाती है। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल, ये तो 9 नंबर था, अब 10 नंबर का सवाल देखिएगा, सामान्य बालक पर आया किस आयु में, सामान्य बालक सामान्यतः किस आयु में बोलना सीख लेता है? सामान्य बालक सामान्यतः किस आयु में बोलना सीख लेता है? इसका राइट आंसर होगा 11 माह में सीख लेता है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 से 110, यानी सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर 91 से 110 होता है। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को, देखिएगा लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान का क्या नाम था? राइट आंसर होगा ड्राइवर। उसके बाद देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है किसमें? तो बालक विकास के ज्ञान में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल है, शिक्षक अनुशासन के समस्या को कैसे हल कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा सहानुभूति द्वारा हल कर सकता है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक
का एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है? इसका राइट आंसर होगा लेविन एवं फ्रायड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का और शिक्षा सिद्धांतों का, यानी कि देखिएगा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का और जो है ये मानव सिद्धांतों का और शिक्षा सिद्धांतों का। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल, 17 नंबर क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक और मंद बुद्धि बालक। ये राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का क्या होगा, इसमें कह रहा मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है, तो राइट आंसर होगा जन्मजात होती है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे होता है, राइट आंसर होगा सीखने से होता है। उसके बाद देखिए सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक क्या है, यानी इसका प्रमुख कारक या मुख्य कारक क्या होता है, परिवार होता है। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर का सवाल, शैशव काल की अवधि क्या होती है, तो जन्म से 2 वर्ष तक के काल को या अवधि को शैशव काल कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है, राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 23 नंबर, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, ये सामान्य विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उसके बाद देखिए 24 नंबर का सवाल, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल देखिएगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है, यानी कि देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित तो होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये मात्र 7 मिनट में जो है आप 25 सवाल को देख लिए। तो इस प्रकार ये छोटा छोटा वीडियो आपके लिए मैं इसलिए बनाता हूं कि ताकि आप कम समय में जो है ये 25 सवाल को सीख पाएं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।